इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नगांव रोड, छतरपुर। छतरपुर की सिविल लाइन पुलिस ने एक अनोखी चोरी का खुलासा किया है, जिसको सुनकर सभी हैरान हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की चोरी है। दरअसल शादियों में चोरी करने वाला एक चोर गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए का सामान जब्त किया है, जिसमें एक शादी से 1.25 लाख रुपए की कीमत का सामान बताया गया है। और यह चोर सिर्फ शादी घरों को ही निशाना बनाता था। उसका एक दूसरा ये फंडा था कि उसे ये पता था कि शादियों में सब लोग जश्न में विधि रहते हैं और इसी दौरान चोरी करना बड़ा आसान होता है, इसलिए यह चोर सिर्फ शादी घरों में ही इसे निशाना बनाया करता था। अब पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विराज गार्डन का यह मामला है, जो 3 दिन पहले चोरी की घटना हुई थी और पुलिस ने 3 दिन के भीतर ही चोर को गिरफ्तार करते हुए यहाँ पे पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। पर्दा उठा तो सब लोग हैरान रह गए और देखा तो ये सिर्फ शादियों में चोरी किया करता था। 13 मार्च को उमाशंकर शर्मा निवासी शांति नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी थाने में पहुंचकर कि मेरे पुत्र प्रतीक शर्मा की शादी में दुल्हन का जो सूटकेस है वह चोरी हो गया है। और 11 मार्च की यह घटना थी, जिसके बाद पुलिस ने चोर का पता लगाया तो यहाँ पे आरोपी कमलेश लोधी गिरफ्तार हुआ और देखा तो इसके पास से कई चीज़ें बरामद हुई हैं, जो दुल्हन के इस्तेमाल होने वाली कीमती चीज़ें हैं, जेवरात हैं, सोने चांदी के जेवरात हैं, तमाम वही चीज़ें बरामद हुई हैं। और यह बताया कमलेश लोधी जो है बराना खेरा थाना जतारा का रहने वाला है, जो फिलहाल छतरपुर में निवास करता है और यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। इस चोरी की वारदात में आरोपी द्वारा 1.25 लाख रुपए कीमत के जेवरात चोरी किए थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। और पूरी चोरियों में लगभग 4 लाख रुपए कीमत का सामान पुलिस को बरामद हुआ है और पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है। ये थाना सिविल लाइन में विराज गार्डन में एक लड़का पकड़ा गया था। इसके द्वारा बाद में बताया गया था कि ये शादियों में चोरियाँ करता है। और एक मामला इसमें सिविल लाइन का था, जिसमें लगभग 1.25 लाख की चोरी इसने बताई थी और इसको पकड़ा गया है। इसके पूर्व में भी ये ओरछा रोड थाने में चोरी कर चुका है, उसका भी इसके पास से माल जब्त किया गया है और इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। क्या क्या पकड़ा गया है चोरी में जब्त हुआ? इसमें शादी का जो कपड़े हैं वो और जो जेवरात थे उनको जब्त किया गया इससे। अनुमानित दोनों की कितने की चोरी? लगभग 3 से 4 लाख इसमें बताया जा रहा है, बाकी इसमें देख के और फिर अग्रिम विवेचना की जा रही है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल माली की रिपोर्ट।